हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर सब सभी का स्वागत है टेकमेन का एक नया वीडियो पे। दोस्तों कल मैंने जब लाइव सेशन पे गया था वहां पे मैं आप लोगों से बात किया था कि कैसे आप आपका चैनल का जो अर्निंग है उसको इंक्रीज कर सकते हो। दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इस वीडियो कोई भी क्लिकबेट वीडियो नहीं है, बस एक सेटिंग को जाके आपको चेंज करना है और उसके बाद आपका जो अर्निंग है जो अभी यूजुअली होता है उससे कई गुना ज़्यादा हो सकता है। देखो दोस्तों, जो लोग बहुत दिन से यूट्यूब पे काम कर रहे हो शायद उन लोगों को तो पता होगा, बट जो लोग नए नए यूट्यूबर हो, मैंने उन लोगों के लिए ऐसी यूट्यूब ग्रोथ सीरीज को स्टार्ट किया हो, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक नया यूट्यूबर हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना और एकदम पूरा देखना, स्किप वगैरह मत करना। बस आपको मैं लेके चलूँगा अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, वहां पे मैं छोटा सा एक सेटिंग्स को चेंज करने के लिए बोलूंगा, वो चेंजेस अगर आप कर लेते हो तो आपका जो वीडियो है वो वीडियो पे आपका जो नॉर्मल अर्निंग होता है उससे अर्निंग जो है काफी गुना बढ़ जाएगा। बट इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा चीज है, लैपटॉप पे तो लेके जाऊंगा, बट उससे पहले एक चीज बोल देता हूं, अगर आपको ये जो ट्रिक है इसको काम पे लगाना है, ट्रिक में नहीं बोलूंगा, यूट्यूब के एप्लीकेशन के अंदर या यूट्यूब का जो वेब वर्जन उसी के अंदर ये फीचर्स दिया गया है, बस आपको इसको एक्टिवेट करना है, इसको ऑन करना है, तो आपका जो वीडियो है वो वीडियो जो होगा वो वीडियो थोड़ा लंबा होना चाहिए, नियर अबाउट 8 मिनट से ऊपर होना चाहिए, तभी जाके ये जो सेटिंग है इसको आप इनेबल कर सकते हो। तो चलो दोस्तों सीधा लेके चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर, वहां पे मैं बात करता हूं कि क्या क्या चेंजेस आपको करना पड़ेगा ताकि आपका जो नॉर्मल अर्निंग है, जो डेली टू डेली अर्निंग होता है, वो कैसे आप बढ़ा सकते हो। अगर आपका व्यूज कम भी आता है तब भी उस कम व्यूज के अंदर भी आप कैसे आपके अर्निंग को बढ़ा सकते हो। तो चलो चलते अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। सो दोस्तों मैं आ गया अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, तो चलो चलते हैं चैनल के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो को अपलोड करके रखा हूँ एंड मेरे को ये लगता है कि आप लोगों को सबको पता है कि कैसे एक वीडियो को अपलोड करना है, उसके बाद टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे थंबनेल ऐड करना और नीचे जाके आप शो मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पेड प्रमोशन वीडियो बना रहा है तो यहाँ पे इसको टिक कर सकते हो और यहाँ पे टैग वगैरह लगा सकते हो। ये तो बेसिक सा चीज़ है, ये सबको पता होगा। बट नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन दिया जाएगा, तो ये मैं इसको ऑन ऑफ करके रखा हूँ, तो यहाँ पे नॉर्मली सिलेक्ट लिखा रहता है तो आपको जाके सिलेक्ट करना है ऑन करना है ऑफ करना है, तो अब मैं ऑन कर रहा हूँ। तो जब भी मैं ऑन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे आपको डिस्प्ले एड, ओवरले एड, स्पॉन्सर्ड कार्ड एड, स्किपेबल वीडियो एड्स, नॉन स्किपेबल वीडियो एड्स, ये सारे जो है ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, आपको मैनुअली कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। बट मेन जो गेम है वो इसके नीचे है, यहाँ पे आप देखो कि लोकेशन ऑफ वीडियो एड्स, आपके वीडियो के अंदर कहाँ कहाँ पे आप एड चलाते चाहते हो वो आपको डिटेल्स यहाँ पे दिखाया जाएगा, यहाँ पे प्री रोल एड जो ये डिजेबल्ड है एंड पोस्ट रोल एड जो ये डिजेबल है। बट यहाँ पे डिजेबल होने का मतलब ये नहीं कि आपके वीडियो के अंदर प्री रोल एंड पोस्ट रोल एड चलेगा ही नहीं, कभी कभी हो सकता है कि आपके वीडियो के अंदर प्री रोल पोस्ट रोल एड चल जाए, कभी कभी नहीं चले, बट हाँ चलेगा, एक दो बार शायद नहीं चल सकता है बट चल जाएगा, एक दो बार आपके वीडियो के अंदर चल भी जाएगा। बट यहाँ पे मेन चीज़ ये नहीं, मेन है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैनेज मिड रोल एड्स। तो यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये मैनेज मिड रोल एड्स वाला पोर्शन को ऑन रखना है, एनेबल रखना है, तो यू हैव टू मेक अ वीडियो विच वीडियो लेंथ इज मीन्स मोर देन 8 मिनट्स। तो आपको 8 मिनट से ज़्यादा टाइम का वीडियो बनवाना पड़ेगा, पहले ये 10 मिनट था, अभी YouTube कम करके इसको 8 मिनट कर दिया। तो इसके बाद जब आप इस मैनेज वीडियो रोल्स पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा जहां पे आपका वीडियो का टोटल टाइमलाइन दिखाएगा। तो एड जो रिवेन्यू है उसको इंक्रीज करने का मेन पोर्शन यही है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस कुछ टाइम गैप पे आपको यहाँ पे ऐसे करके सिलेक्ट करना है और ऊपर में देखिए यहाँ पे एड ब्रेक करके प्लस साइन है, तो इस एड ब्रेक पे क्लिक करना है। जब भी आप एड ब्रेक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो एड है वो इंक्लूड हो जाएगा और जब भी आप वीडियो को अपलोड कर दोगे और आपका वीडियो ऐसे चलता रहेगा तो इस पोजिशन पर एक एड जनरेट हो जाएगा। ऐसे करके आप आपके वीडियो के अंदर 2 से 3 ऐड लगाओ, मैं यही सजेस्ट करूंगा। ऐसा नहीं कि आपके हाथ के ऊपर है तो आप जितना मन चाहे ऐड लगाते गए, ऐसा मत करो। 2 से 3 वीडियो आप लगा दो, वीडियो के स्टार्टिंग से थोड़ा छोड़ के टाइम गैप देके एक बीच में आप एक ऐड ब्रेक लगा दो एंड एंड में आप ऐड ब्रेक लगा दो। एक चीज़ आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपका जो वीडियो है वो लोग मोर देन 30% या 40% टाइम के बाद नहीं देखते हैं, तो आप वीडियो के स्टार्टिंग में दो ऐसे कम गैप पे
दो एड ब्रेक लगा सकते हो ताकि एटलीस्ट पहले का एक दो मिनट वीडियो के अंदर आपका जो दो एड है ये एड यहाँ पे जनरेट हो जाए। अब बात है कि ये जो एड है क्या सारे एड वीडियो एड्स होगा? नहीं दोस्तों, यहाँ पे बैनर एड्स भी आ सकता है जो नीचे आपको दिखाता है, ओवरले एड जो होता है, या नॉर्मल सा जो है नॉन स्किपेबल एड्स आ सकता है, उसके साथ साथ स्किपेबल एड्स भी आ सकता है। अब ये चीज़ करने का एक ही फायदा है कि आप अगर नॉर्मली वीडियो को देखते हो तो आपके वीडियो के अंदर यहाँ पे सिर्फ अगर आप इस 8 मिनट से कम वीडियो बना रहे हो तो ये मिड रोल एड्स जो है ये नहीं चलता है। बट अगर आप यहाँ पे सिर्फ क्या चलेगा, प्री रोल एंड पोस्ट रोल एड। बट यहाँ पे अगर 8 मिनट के ऊपर वीडियो बनाते हो तो आपका ये जो मिड रोल एड्स है ये चलने का और इसको सिलेक्ट करने का जो प्रोबेबिलिटी है या जो आपका ऑप्शन है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके चलते क्या होता है, सिर्फ प्री रोल एंड पोस्ट रोल एड नहीं चलेगा, साथ में आपके वीडियो के अंदर और एक दो जो है मिड रोल एड भी चलेगा। तो इसके चलते क्या होगा, आपका जो नंबर ऑफ काउंट से ऐड का वो बढ़ जाएगा और इसके चलते आप जितना ऐड आपके वीडियो के अंदर चलेगा उतना आपका अर्निंग जो है वो जनरेट होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमेशा कोशिश करो कि आपका वीडियो जो उसको मोर देन 8 मिनट्स बनाने का और उसके बाद हर बार जाके ये जो मैनेज मिड रोल एड्स है इसको ऑन कर लेना। इसको ऑन करना मत भूलिएगा, मैं बहुत दिन से इस चीज़ को नहीं करता था बट फाइनली मैं इसको कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ दोस्तों ये जो प्री रोल एंड पोस्ट रोल ऐड है ये आपके अगर 10 बार आपका वीडियो चलता है तो उसमें से 4 से 5 बार आप पकड़ सकते हो 50% टाइम आपके प्री रोल एंड पोस्ट रोल ऐड जो है वो आपके वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यही है दोस्तों मेन फंडा आपको। और उसके बाद आप यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपको ऐड सुइटेबिलिटी चेक करने के लिए बोलेगा। अगर आपके वीडियो के अंदर ऐसा कुछ भी कॉन्टेंट है तो आप यहां पे सिलेक्ट करके उसको जो है बता सकते हो यूट्यूब को कि मेरे वीडियो के अंदर ऐसा कुछ है, नहीं तो आप नीचे जाके नन ऑफ दिस अबव करके उसके बाद अगर यहां पे सबमिट रेटिंग कर दोगे तो आपका एड सुइटेबिलिटी जो है वो चेक हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपके वीडियो के अंदर कोई भी कॉपीराइट वगैरह है तो वो भी बता देगा, या कोई भी ऐसे कंटेंट आप यूज किए हो जो यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है तो वो भी आपको वर्न कर देगा। और उसी हिसाब से आपके वीडियो के अंदर वो सारे चीज को चेंजेस करने के बाद जाके आपका वीडियो जो है कंप्लीट वीडियो जिसके अंदर अच्छा खासा एड चल सकता है, कोई भी कॉपीराइट वगैरह या स्ट्राइक या क्लेम वगैरह कुछ भी ना आए, तो उस वीडियो को आप अपलोड कर सकते हो। तो ऐसे करके दोस्तों आप आपका जो भी अर्निंग्स है, जो भी नॉर्मल अर्निंग होता है आपका, उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। देखो भाई यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, मान लो आपके दिन भर में कितना व्यूज़ आते हैं, आप दिन भर में आपका 2000 व्यूज़ आते हैं, तो 2000 व्यूज़ पे अगर आप सिर्फ प्री रोल एंड पोस्ट रोल ऐड चलाओगे तो आपका जितना अर्निंग होगा वही 2000 व्यूज़ के जो अंदर अगर आप मिड रोल एड्स को भी ऐड करते हो तो एटलीस्ट जो नंबर ऑफ काउंट है वो एटलीस्ट दुगुना बढ़ जाता है। तो आपका जो अर्निंग है वो एटलीस्ट अगर आपको 10 रुपया अर्निंग होता था इससे पहले मिड रोल एड्स चलाने के बाद, एटलीस्ट 15 से 20 रुपया आपका अर्निंग हो जाएगा। मतलब आप पकड़ सकते हो कि डबल अर्निंग के आसपास चला जाएगा। बट हाँ, अब बात है कि आपका ये जो वीडियो है इस पर ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, उसका CPC कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस टाइप के कीवर्ड यूज कर रहे हो। अगर आप हाई CPC कीवर्ड यूज कर रहे हो और उसी के ऊपर आपका ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है आपके वीडियो के अंदर, तो ऑब्वियसली आपका जो वीडियो है उस पर रेवेन्यू जो और ज्यादा जनरेट होगा। बट मैं नॉर्मल पीपल के लिए बात कर रहा हूँ जिसका अभी अभी 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है, जिसका चैनल अभी अभी मोनिटाइज हुआ है, अभी अभी यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के अंदर आए हो, मैं उन लोगों के लिए बताऊंगा कि आप आपके हर वीडियो को 8 मिनट से ऊपर बनाओ, कुछ वैल्यू प्रोवाइड करो और उसके बाद ऐसे मिड रोल एड्स वगैरह को, प्री रोल पोस्ट रोल तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है बट मिड रोल एड्स को जो है ऐड करना मत भूलो। तो ये अगर आप करोगे तो आपका अर्निंग जो है वो बढ़ेगा। मैं भी अपना करके देख रहा हूँ और मेरे को भी फायदा मिल रहा है, मेरा भी जो अर्निंग है वो भी यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ था ये आप लोगों में से जो नए यूट्यूबर उन लोगों को पता होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बट ज़्यादातर अगर आपको पता नहीं था तो शायद आपको पता चल गया और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो बना। तो अगर आपका चैनल मोनिटाइज है तो फटाफट जब हर दिन आप वीडियो को अपलोड कर रहे हो तो ये चीज को करना मत भूलिएगा, प्रोवाइडेड आपका जो वीडियो है उसका लेंथ 8 मिनट से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आपका वीडियो 8 मिनट से ज्यादा है तो आपका ये जो सेटिंग्स है ये चेंज करोगे तो नॉर्मल से जो व्यूज आता है उस व्यूज से कहीं गुना जो अर्निंग होता है उससे अर्निंग जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल बना। तो ऐसे ही अगर हेल्पफुल वीडियो देखना है आपकी यूट्यूब ग्रोथ के लिए तो जरूर दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखिएगा। मैं कोशिश करूंगा हर दिन ऐसे एक एक वीडियो डालने का
और रात को 8 से 8:30 तक मैं लाइव रहता हूँ। आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन वगैरह है सारे क्वेश्चन आप वहाँ पे पूछ सकते हो। आपकी यूट्यूब चैनल के ग्रोथ के लिए जो जो आपको क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो। इवन मैं भी अपने एंड से हर दिन एक नया नया टॉपिक के ऊपर वहाँ पे बात करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके सपोर्ट करना, शेयर कर देना ताकि जो भी बिगिनर यूट्यूबर है सबको इसके बारे में पता चल जाए, और उसके साथ साथ कमेंट कर देना कि आपको ऐसा वीडियो कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।